बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल टीचर मोटिवेशनल सिस्टम बाय रिश्मा मतीन। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि आने वाले तमाम नई वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलते रहे। सो आज टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर हमारे पास है 13.5 है हमारे पास, रेजिस्टिविटी एंड इट्स डिपेंडेंस अपॉन टेम्परेचर। अब आप कहीं के रेजिस्टेंस तो पढ़ा था, अभी रेजिस्टिविटी कहाँ से आ गया है? सो रेजिस्टिविटी दरअसल रेजिस्टेंस ही के अंदर से निकला है। दरअसल फर्स्ट ऑफ ऑल हम रिकॉल कर लेते हैं कि हमारे पास रेजिस्टेंस क्या है। ओके, सो रेजिस्टेंस हमें पता है कि हम जब रेजिस्टेंस को लिखते हैं तो वो दरअसल डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है लेंथ के। यानी कि फॉर एग्जांपल एक वायर हमारे पास मौजूद है, उसकी जितनी ज्यादा लेंथ होगी उसके अंदर उतनी ही ज्यादा रेजिस्टेंस होगी। ओके, इसी तरह अगर आप कहते हैं कि रेजिस्टेंस जो है वो क्या होता है जी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है उसका एरिया। ओके, तो रेजिस्टेंस जो है वो एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब क्या है कि जितना ज्यादा एरिया क्रॉस सेक्शन जो है वो क्या होगा, ज्यादा होगा उतनी कम रेजिस्टेंस होगी। ओके, तो इस तरह से हमारे पास ये दो रिलेशन जो है वो निकलते हैं। और अगर हम इनको मिलाकर लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं इस इक्वेशन वन को इस इक्वेशन टू को, तो ये हमारे पास क्या बन सकता है, आर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लेंथ के, जबकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है क्रॉस सेक्शन एरिया के। अब हम यहाँ पर कॉन्स्टेंट पुट कर सकते हैं। अब यहाँ पर जो हम कॉन्स्टेंट पुट करते हैं वो हमारे पास होता है जी रो। ठीक है, अब इसी रो को हम क्या कहते हैं, रेजिस्टिविटी कहते हैं। दिस इज कॉल्ड द रेजिस्टिविटी ऑफ द मटीरियल। ठीक है, अब रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी में क्या फर्क है कि रेजिस्टिविटी जो है वो दरअसल कैरेक्टरिस्टिक होती है ऑफ अ मटीरियल। मटीरियल क्या है, जो वायर के अंदर का जो कोर मटीरियल है उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक होगी वो रेजिस्टिविटी होगी, जबकि जो वायर है उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक होती है वो रेजिस्टेंस होती है। तो आप अगर डिफरेंस आए तो उसमें आप सिंपली मेंशन कर सकते हैं कि आपके पास जो रेजिस्टेंस है जिसको आप ओम से शो करते हैं, ओके, वो कैरेक्टरिस्टिक है ऑफ द वायर, जबकि जो आपके पास रो है विच इज कॉल्ड रेजिस्टिविटी वो आपके पास कैरेक्टरिस्टिक्स है ऑफ द मटीरियल, या फिर आप इसको कोर मटेरियल कह सकते हैं। कोर जो है उसका मतलब होता है इनर मटेरियल। ओके, कोर मटेरियल ऑफ द वायर। ओके, अब हम जो हमारे पास रो है दिस कॉल्ड रेजिस्टिविटी, उसको हम डिफाइन कर सकते हैं एज द रेजिस्टेंस ऑफ द मीटर क्यूब ऑफ अ मटेरियल। ठीक है, ऑफ अ मटेरियल, ये आपके पास ही आ गई रेजिस्टिविटी की डेफिनेशन कि आपके पास ये क्या है, ये रेजिस्टेंस है मीटर क्यूब ऑफ मटेरियल की, मटेरियल के अंदर का जो मटेरियल है। ओके, तो उसकी आपको कहते हैं कि मीटर क्यूब जब आप उसका लेते हैं मटेरियल का तो उसके अंदर कितनी रेजिस्टेंस आ रही है वो आपके पास क्या है, रेजिस्टिविटी है। ठीक है, इसको आप इसे भी डिफाइन कर सकते हैं, इसके साथ साथ भी मेंशन कर सकते हैं कि क्या है करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द मटेरियल ऑफ द वायर। ओके, अब इसके अगर हम ऐसे यूनिट की बात करें जैसे कि हमारे पास जो रेजिस्टेंस है उसका हमारे पास जो यूनिट है हम उसको शो करते हैं विद द ओम, और ये जो रो है हमारे पास इसका हमारे पास जो ऐसा यूनिट है वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि हमारे पास ऊपर जी लेंथ है। रो का ऐसा यूनिट हम कैलकुलेट किस तरह से कर सकते हैं कि अगर आप यहीं पर थोड़ी चेंजिंग करके देख लें कि आपके पास आपको रो का ऐसा यूनिट फाइंड करना है तो ये रेजिस्टेंस जो है वो उसके साथ एरिया ऊपर चला जाएगा जबकि जो लेंथ है वो नीचे आ जाएगा। तो रेजिस्टेंस का आपको पता है कि क्या है जी ओम है, एरिया आपके पास मीटर स्क्वायर, और फाइनली नीचे आपके पास लेंथ जो है वो मीटर, ये मीटर एक मीटर से कैंसिल, तो आपके पास इसका जो ऐसा यूनिट निकलता है इट इज ओम मीटर। तो ये तो हमने पढ़ लिया जो रेजिस्टेंस और इसके साथ साथ रेजिस्टिविटी के, रेजिस्टेंस क्या है उसके साथ साथ रेजिस्टिविटी का क्या रिलेशन जो है वो मौजूद है। अब हम आगे मजीद चलते हैं जी कंडक्टेंस की तरफ। अभी कंडक्टेंस जो है इस तरह के किसी कंडक्टर की रेजिस्टेंस होती है, इस तरह कंडक्टर की कंडक्टेंस भी होती है। यहाँ पर हम जी पढ़ लेते हैं कंडक्टेंस के हवाले से कि हमारे पास कंडक्टेंस क्या चीज है। कंडक्टेंस जो है हमारे पास रेसिप्रोकल होता है ऑफ द रेजिस्टेंस, यानी कि आप कंडक्टेंस को लिख सकते हैं वन ओवर रेजिस्टेंस यानी के ओम। ओके, तो यानी कि रेसिप्रोकल है, आप इसको इस तरह से रेसिप्रोकल भी शो कर सकते हैं, ये आपके पास कंडक्टेंस है। ओके, तो कंडक्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस। इसके साथ इसका जो ऐसा यूनिट है वो हम मेजर करते हैं जी, जाहिर सी बात है ओहम है, ऊपर चला जाएगा तो नेगेटिव में पर ओहम हो सकता है, लेकिन अगर आप इस पर को ना लिखना चाहें तो आप सिंपली इसको उल्टा लिख सकते हैं कि एम पहले और मोह। ठीक है, सिंपली आपने इसकी अरेंजमेंट को उल्टा कर दे तो ये साइन
ऐसा यूनिट भी आपके पास सही है, यह ऐसा यूनिट भी आपके पास ठीक है, इसके साथ साथ इसको साइमन भी कहते हैं, इसके ऐसा यूनिट। सो तीन पॉसिबल आपके पास यहाँ पर ऐसा यूनिट जो है इसके मौजूद है और तीनों जो है वो ठीक है। अब कंडक्टेंस की हमने बात कर ली है, अब हम आगे जाते हैं जी कंडक्टिविटी, जिस तरह से आप कंडक्टेंस भी तरह से कंडक्टिविटी भी है। अभी कंडक्टिविटी क्या है, ये कंडक्टिविटी जो है वो रेसिप्रोकल है, जिस तरह की कंडक्टेंस रेसिप्रोकल था रेजिस्टेंस का, इस तरह से जो कंडक्टिविटी है वो रेसिप्रोकल है ऑफ दी रेजिस्टिविटी। आपके पास जो रेजिस्टिविटी है वो क्या है, रो है, तो अब आप इसका कह रहे हैं कि रेसिप्रोकल है रेजिस्टिविटी का, तो सिंपली आपके पास ये कंडक्टिविटी आ जाएगी। ओके, अब इसके ऐसे यूनिट की बात करें, इसका जो ऐसा यूनिट है वो सिंपली कैलकुलेट किया जा सकता है कि रो का जो है वो क्या होता है, ओहम मीटर। ओके, सिंपली जब आप इसको ऊपर लेके जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, पर ओहम पर मीटर। ठीक है, आप इसको यूं भी लिख सकते हैं ओहम पर मीटर, लेकिन आप इसको यूं भी लिख सकते हैं मोहो पर मीटर। ओके, तो ये इसके भी तीन पॉसिबल आपके पास जो है वो ऐसे यूनिट्स मौजूद है। तो सिंपली अभी हमने पढ़ा है कि रेजिस्टेंस क्या है, रेजिस्टिविटी क्या है, इस तरह मटेरियल की कंडक्टेंस क्या होती है और उसकी कंडक्टिविटी क्या होती है। तो ये सारे दूसरे के साथ क्या है, कोई इनवर्सली प्रोपोर्शनल जो है वो रिलेट कर रहा है दूसरे के साथ, कोई डायरेक्टली प्रोपोर्शनली जो है वो क्या कर रिलेट कर रहा है। आगे अब हम बात करने जा रहे हैं कि रेजिस्टेंस जिस तरह से इनके साथ इनवर्सली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इस तरह टेम्परेचर के साथ उसका क्या रिलेशन है, तो हम स्टडी करते हैं। वो कहते हैं जो रेजिस्टेंस है इट आल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। मीन्स के अगर आप किसी भी ऑब्जेक्ट का, किसी भी मटेरियल का टेम्परेचर आप इंक्रीज कर देते हैं तो उसके अंदर रेजिस्टेंस भी इंक्रीज होती है। फॉर एग्जाम्पल, ये मेरे पास एक वायर मौजूद है, इसको मैं क्या कर रही हूँ, हीट अप कर रही हूँ, इसको मैं हीट अप कर रही हूँ, तो इसे हीट अप करने से क्या हो रहा है, जितना ज्यादा इसको हीट अप करूंगी उसके अंदर उतनी ज्यादा जो रेजिस्टेंस है वो क्या हो जाएगी, डेवेलप हो जाएगी। ठीक है, और अगर जितनी ज्यादा लेंथ होगी उतनी ज्यादा रेजिस्टेंस होगी, जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा उतनी ज्यादा रेजिस्टेंस होगी। लेकिन फॉर एग्जाम्पल अगर सेक्शन एरिया जो है वो अच्छा खासा है तो रेजिस्टेंस जो है वो कम हो जाए। ओके, तो अभी फिलहाल हम टेम्परेचर की बात कर लेते हैं कि टेम्परेचर के साथ भी इसका क्या है, एक रिलेशन है। अब इस तरह से है, अब हम देख लेते हैं कि टेम्परेचर देने की वजह से क्यों रेजिस्टेंस इंक्रीज हो रही है, आपके पास क्वेश्चन आ सकता है। ओके, तो इसका आपने सिंपली ये आंसर देना है कि किसी भी कंडक्टर के अंदर रेजिस्टेंस क्यों इंट्रोड्यूस होती है, इसकी वजह ये होती है कि जो लेटिस एटम्स हैं वो क्या करते हैं, जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं मौजूद उनके साथ कोलिजन स्टार्ट कर जाते हैं। ठीक है, उनकी अंदर कोलिजन की वजह से क्या होता है, फिर रेजिस्टेंस जो है वो इंक्रीज होती है। ओके, क्योंकि टेम्परेचर प्रोवाइड करेंगे तो फिर इनके अंदर जो है वो एक्सेलरेशन पैदा हो जाएगी। तो पहले आपने ये बात करनी है कि जो रेजिस्टेंस है वो किसे इंक्रीज हो रही है, कि अगर जो लेटिस एटम्स हैं वो फ्री इलेक्ट्रॉन के साथ कोलाइड करते हैं किसी भी आम पड़े हुए मटेरियल में जिसको हम टेम्परेचर प्रोवाइड नहीं कर रहे वो रूम टेम्परेचर में मौजूद है। लेकिन जैसे हम उसको टेम्परेचर देना स्टार्ट करते हैं तो आफ्टर टेम्परेचर टी देने के बाद क्या होता है जी, अब जो फ्री इलेक्ट्रॉन से लेटिस एटम्स है वो क्या होंगे, एक्सेलरेट होंगे, उनकी जो वाइब्रेटिंग मोशन है वो ज्यादा हो जाएगी, जिसकी वजह से तो कोलिजन है वो भी स्टार्ट हो जाएगा। तो ज्यादा कोलिजन की वजह से ज्यादा लेटिस एटम, ज्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन जो है फ्री चार्ज कैरियर से उनके साथ टकराएंगे, फिर उतनी ही ज्यादा रेजिस्टेंस जो है वो प्रोड्यूस होगी। तो इस वजह से जो टेम्परेचर जब बढ़ा रही है तो वाइब्रेटिंग मोशन इंक्रीज हो रही है और फिर रेजिस्टेंस भी जो है वो लेटिस एटम्स की फ्री इलेक्ट्रॉन से ज्यादा ज्यादा टकराने की वजह से जो है वो प्रोड्यूस होती है। ओके, अगर बाय ग्राफ इसको हम देखना चाहें तो हम देख सकते हैं कि हमारे पास किस तरह से रेजिस्टिविटी जो है वो इंक्रीज हो रही है, रेजिस्टेंस इंक्रीज हो रही है मींस के रेजिस्टिविटी भी इंक्रीज हो रही है। इसको ग्राफ के ऊपर हम प्लॉट करके देख सकते हैं कि फॉर एग्जांपल ये हमारे पास रो है रेजिस्टिविटी और ये हमारे पास इस साइड पर टेम्परेचर, मुख्तलिफ टेम्परेचर हमारे पास यहाँ पर जो है वो मौजूद है 400 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, ये हमारे पास टेम्परेचर मौजूद है, यहाँ पर मुख्तलिफ रेजिस्टिविटी की वैल्यूज। तो देखा गया है कि जीरो पे तो फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि यहाँ पर तो कोई भी हमने टेम्परेचर अप्लाई नहीं किया था, कोई भी टेम्परेचर नहीं था तो रेजिस्टिविटी इंक्रीज नहीं हो रही थी। लेकिन जैसे ही हमने टेम्परेचर देना शुरू किया तो देखा गया है कि एक लीनियरली इंक्रीज आता है किसके अंदर, रेजिस्टिविटी के अंदर। जैसे जैसे टेम्परेचर को हम इंक्रीज करते जा रहे हैं वैसे वैसे एक लीनियरली इंक्रीज आ रहा है। ओके, ना उतार है ना चढ़ाव है, होता है ना कि कहीं ऊपर जा रही कहीं नीचे जा रही, लेकिन ये सिंपली बस बढ़ी जा रही है। ओके, तो एक लीनियर इंक्रीज देखने को मिलता है। ये आपसे एमसीक्यूज पूछा जा सकता है कि टेम्परेचर को बढ़ाने से क्या रेजिस्टिविटी जो है वो शो होती है, उसके अंदर क्या इंक्रीजमेंट होती है, वो एक लीनियर इंक्रीजमेंट जो है वो शो करता है। तो दरअसल अब ये जो चेंज आ रहा है रेजिस्टिविटी के अंदर वो एक फ्रैक्शनल चेंज है इन दी रेजिस्टेंस,
ठीक है। तो इस रेजिस्टेंस के अंदर जो फ्रैक्शनल चेंज आ रहा है उसको हम कहते हैं जी टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। ओके, इसको हम रेजिस्टेंस का टेम्परेचर कोफिशिएंट भी कहते हैं, क्योंकि जब आप रेजिस्टिविटी टेम्परेचर बढ़ाए तो रेजिस्टिविटी इंक्रीज हो, क्योंकि वैसे रेजिस्टेंस के अंदर भी क्या रहा है फ्रैक्शनल चेंज आ रहा है, और उस फ्रैक्शनल चेंज को हम कहते हैं कि वो क्या है टेम्परेचर कोफिशिएंट है ऑफ द रेजिस्टेंस। अगर इसको हम ड्राइव करना चाहेंगे, फॉर एग्जांपल आप किसी भी मटेरियल की रेजिस्टेंस फाइंड करना चाह रहे हैं, तो वो आप किस तरह से फाइंड कर सकते हैं, या फिर अगर आप वो किसी भी मटेरियल का टेम्परेचर कोफिशिएंट आप फाइंड करना चाह रहे हैं, टेम्परेचर कोफिशिएंट को हम जाहिर करते हैं विद द साइन ऑफ अल्फा। ओके, तो सिंपली आप इसको फाइंड आउट कर सकते हैं, आपके पास ये फॉर्मूला जो है वो आपको गिवन है, विच इज टेम्परेचर ऑफ कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, या फिर आप रेजिस्टेंस एट यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं टेम्परेचर 80 डिग्री सेंटीग्रेड माइनस रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड ओवर आर इंटू आर नॉट टी। अब ये आर टी जो है वो शो कर रहा है कि ये रेजिस्टेंस जो है वो किसी भी टेम्परेचर पे होगी। ओके, कि टेम्परेचर की कोई वैल्यू होगी लेकिन 0 डिग्री सेंटीग्रेड यहाँ पर मौजूद नहीं होगा, 1 हो सकती है 2 हो सकती है लेकिन 0 नहीं होगा। ये वाली जो रेजिस्टेंस है वो हमेशा 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे जो आपके पास मौजूद होगी, यानी कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे कब होगी, यानी कि जब आपने टेम्परेचर अप्लाई करना शुरू नहीं किया जबकि रेजिस्टेंस, और जब आपने टेम्परेचर देना स्टार्ट कर दिया तब की रेजिस्टेंस, उनका डिफरेंस लेके आपने इनको सिंपली मल्टीप्लाई करना है, तो आपके पास जो टेम्परेचर कोफिशिएंट है वो आप यहाँ पर निकाल सकते हैं। अब यहाँ पर रेजिस्टेंस की वैल्यू आपको पता है कि हमने फॉर्मूला ड्राइव किया था कि हमारे पास रेजिस्टेंस जो है वो रो एल ओवर ए है, यानी कि आप इससे रेजिस्टिविटी भी फाइंड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपने रेजिस्टेंस फाइंड कर लिया, आप रेजिस्टिविटी किससे फाइंड करेंगे, तो सिंपली आपने ये जो है वो पुट कर देना है। ओके, अगर आर टी की बात करें तो आर टी पे आपके पास जो होगा वो क्या होगा पी रो टी ओवर एल ओवर ए, इसी तरह 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे आपके पास क्या होगा रो नॉट एल ओवर ए। तो इधर आपने वैल्यू जो है वो सिंपली पुट कर देनी है, अल्फा इज इक्वल टू आर टी आपके पास क्या है जी रो टी एल ओवर ए माइनस आर नॉट आपके पास क्या है रो नॉट एल ओवर ए, और नीचे आपने सिंपली मल्टीप्लाई कर लेना है, आर नॉट हमारे पास क्या है पी नॉट, इसके साथ साथ आपके पास आर टी पी टी, इसको आप जो है एल ए इधर कॉमन ले सकते हैं, और इधर भी अगर आप कॉमन ले लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल इधर आपने ले लिया जी कॉमन एल ए रो टी, ये आपके पास कॉमन आ गया एल ए, एल ए से कैंसिल, तो इस तरह से आप सिंपली रेजिस्टिविटी भी फाइंड कर सकते हैं। दिस इज रेजिस्टिविटी एट टेम्परेचर टी डिग्री सेंटीग्रेड माइनस रेजिस्टिविटी एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड ओवर रो नॉट एंड रो टी। तो इस तरह से आप रेजिस्टिविटी भी फाइंड कर सकते हैं एंड यू कैन ऑल्सो फाइंड द रेजिस्टेंस। ओके, तो ये था आज का हमारा लेक्चर जिसके अंदर हमने पढ़ा है जी रेजिस्टिविटी क्या है हमारे पास, उसकी क्या डिपेंडेंस है टेम्परेचर पे, कि टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है तो आपके पास जो है वो रेजिस्टेंस के साथ साथ रेजिस्टिविटी भी इंक्रीज हो रही है, और आप इजीली रेजिस्टेंस के साथ साथ रेजिस्टिविटी भी फाइंड कर सकते हैं, और जो टेम्परेचर कोफिशिएंट है जो कि फ्रैक्शनल चेंज हमारे पास रेजिस्टेंस के अंदर, उसको भी आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। सो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे और मजे से टॉपिक्स हमारे पास 13 के, उनको हम कवर अप करेंगे। सो तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।